दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेसबुक के दो ऐसे फीचर के बारे में जो कि हर एक फेसबुक यूज़र को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला फीचर है कि कैसे आप अपने प्रोफाइल पे फॉलो का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को देखते होंगे कि उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन शो होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो फॉलो का ऑप्शन कैसे अपने प्रोफाइल पे इनेबल कर सकते हैं। और दूसरा फीचर ये है कि कैसे अगर किसी भी कारणवश हम कोई पोस्ट अपने फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी भी फ्रेंड को नहीं शो कराना चाहते हैं, कोई एक फ्रेंड को या फिर दो फ्रेंड को नहीं शो करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो फ्रेंड मेरा ये पोस्ट सीन करे, तो कैसे उस फ्रेंड को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों फॉलो का ऑप्शन इनेबल करने के लिए थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे। प्राइवेसी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हु के सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इसको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड कर देंगे। उसके बाद बैक जाएंगे, नीचे जाएंगे तो पब्लिक पोस्ट पे जाके यहाँ पे हु कैन फॉलो मी इसको पब्लिक कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन को भी पब्लिक कर देंगे। पब्लिक पोस्ट कमेंट इसको फ्रेंड्स कर देंगे और इसको भी पब्लिक कर देंगे। कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन, दूसरे के अननोन व्यक्ति को फॉलो का ऑप्शन शो होगा। काम रिफ्रेश कीजिएगा तो हो जाएगी, नहीं तो कुछ समय बाद आपका यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन शो हो जाएगा। दूसरा फीचर जैसे कि किसी को हमारा पोस्ट, तो हम चाहते हैं कि कोई मेरा फ्रेंड किसी को भी, अगर कोई एक व्यक्ति को मेरा शो नहीं हो, तो सबसे पहले उसके प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे इस पर टिक करेंगे। उसके बाद एडिट फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे। एडिट फ्रेंड लिस्ट में जाके उस व्यक्ति को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। यहाँ पे टिक हो गया तो अब उसको आप जो भी पोस्ट डालिएगा तो यहाँ उस जो भी पोस्ट डालिएगा तो इस व्यक्ति को अब शो नहीं होगा। फिर से अगर उसको हमको हटाना है वैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट फ्रेंड लिस्ट पे जाएंगे और इसको अनटिक कर देंगे। तो अब फिर से ये व्यक्ति मेरा सारा पोस्ट देख सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।